कक्षा 10 का साइंस का चौथा पाठ है कार्बन एवं उनके यौगिक। भूपर पट्टी पर खनिज के रूप में कार्बन 0.02% उपस्थित होता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है। कार्बन में पाए जाने वाला बंध सहसंयोजी आबंध होता है। आयनिक यौगिकों से तुलना की जाए तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और ये विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं आयनिक यौगिक। और सहसंयोजक यौगिक होते हैं यानी कार्बन में, और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें उनमें आवेश नहीं होता, इस कारण सहसंयोजक यौगिक विद्युत के का चालन नहीं करते हैं। ग्रेफाइट ही एक ऐसा है जो कार्बन का पूर्ण रूप है जो विद्युत का चालन करता है, बाकी विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक बंध की तुलना में सहसंयोजक बंध दुर्बल होता है। और आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक काफी अधिक होते हैं सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में। हमने बताया था कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि जो कार्बन है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना इसके लिए मुश्किल होता है और यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन बनाने के लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं त्याग सकता। तो ऐसी समस्याओं ये दोनों समस्या है, दोनों समस्याओं को निपटने के लिए ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तथा साझे में दोनों ही परमाणुओं के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन साझा लेते हैं और सहसंयोजक बंध बनता है। ये दोनों समस्याएं हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, दोनों समस्या बहुत विकट है कार्बन परमाणु के साथ, अतः इसको सुलझाने के लिए सहसंयोजक बंध बनाता है। अब यहाँ हम KLMN कोष की बात करें तो K कोष हीलियम तक रहता है, L कोष नियोन तक, M कोष आर्गन तक यानी कि 18 तक परमाणु क्रमांक 18 तक, और N कोष क्रिप्टॉन 36 तक परमाणु क्रमांक 36 तक रहता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के परमाणु ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अमोनिया का अणु होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनता है नाइट्रोजन के वो सॉरी अमोनिया के अणु में। फिर हम देखते हैं कि मैथेन, यह इसका सबसे अधिक उपयोग होता है ईंधन के रूप में और बायोगैस एवं CNG का यह प्रमुख घटक होता है। इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर वाले बंध प्रबल होते हैं लेकिन अंतराणु को बल दुर्बल होते हैं। तो हमने कहा था कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के अपरूप। तो जो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है,
तो इसी पे हम क्या कहते हैं, कार्बन की अपरूपता कहते हैं। तो हीरा एवं ग्रेफाइट इसका कार्बन का प्ररूप है, और कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है, यानी दोनों में जो बंध बनाने का तरीका है इसी के आधार पर अंतर होता है। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ में आबंधित होकर के एक दृढ़ त्रि आयामी संरचना बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर षटकोणीय संरचना बनाते हैं, और इसमें एक आबंध द्वि आबंधी होता, आंशिक द्वि आबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयुक्तता पूर्ण हो जाती है। और ग्रेफाइट में जो षटकोणीय वलय होती है, तल होती है, वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। इस तरह से इसमें एक दुर्बल बंध होता है जो दोनों वलयों के बीच में होता है, दोनों तलों के बीच में होता है। और रासायनिक गुण हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और हीरा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, यानी कि कार्बन 60 फुलरिन पाए जाते हैं, इसको वकमिस्टर फुलरिन की संरचना भी कहते हैं। ग्रेफाइट चिकना फिसलनशील होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, और यानी कि हीरे का निर्माण उच्च दाब एवं उच्च ताप पर किया जाता है, और यह प्राकृतिक हीरे के समान होता है लेकिन छोटा होता है। फुलरिन के अपररूप की बात की जाए तो अपररूप की जाए तो सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई थी, और इसकी संरचना अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर ने दी थी। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था फुलरिन, और यह संरचना जियोडेसिक गुंबद के समान थी लगती है, और यह फुटबॉल के समान और कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और जो सल्फर का परमाणु है वो उसमें भी श्रृंखला ये अपनी संरचना बनाता है, तो इस संरचना में 8 सल्फर के परमाणु होते हैं, और इसमें भी संयुग्मित बंध पाया जाता है, और अंगूठी के आकार के संरचना बनाते हैं इसमें। इसी के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है अपने पास वाले, यानी कि एक सल्फर परमाणु के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इस प्रत्येक के साथ में साझा करता है एक एक इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से एक ऐसी वृत्ताकार संरचना बन जाती है गोलाकार। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, तो इसमें देखते हैं कि जो सरलतम कार्बन यौगिक मैथेन है, और हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने हैं, और सेंसिटिव बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन में दो मुख्य विशेषता पाई जाती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और जब कार्बन के परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है तो इस तरह से यौगिकों को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। सिलिकॉन और हाइड्रोजन परमाणु के साथ में यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं, अतिक्रियाशील होते हैं। और कार्बन कार और जबकि कार्बन कार्बन बंध वाले यौगिक प्रबल होते हैं तथा ये स्थायी होते हैं, और ये और कार्बन कार्बन परमाणु साथ में आपस में जुड़ करके अनेक यौगिक बनाते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और यह अन्य तत्वों के साथ में कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण
इसका छोटा आकार होना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक से मजबूती से पकड़ा रहता है। नाभिक मजबूती से पकड़ा रहता है सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों को। और जबकि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध इनको दुर्बलता से पकड़े रहते हैं साझे के इलेक्ट्रॉनों को। अब हम कार्बनिक यौगिक की विशेषता देखते हैं कि दो इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं, एक तो चतुसंयोजकता और श्रृंखलन का गुण। तो पहले ये समझा जाता था, सन 1828 से पहले ये समझा जाता कि जो कार्बनिक यौगिक है ये प्राकृतिक पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं, अतः इनको प्राप्त करने के लिए या संश्लेषित करने के लिए जीवन शक्ति आवश्यक है। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसको असत्य प्रमाणित कर दिया था। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त, यानी तीनों लवणों के अतिरिक्त अभी भी सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है।